हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के स्टेटस बार को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी 100% वर्किंग के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने अपना टाइम, डेट, यहाँ पर बैटरी परसेंटेज, यहाँ पर मैंने अपने नेटवर्क कनेक्शन का सबका कलर यहाँ पर मॉडिफाई कर रखा है, और सेम टू सेम आप भी कर सकते हो। देखने में काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, और उसके साथ साथ आप अपने एप्लीकेशन मैनेजर बार को भी कस्टमाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने इसको कस्टमाइज कर रखा है, और मैं सिंगल हैंडली किसी भी ऐप को यहाँ से यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं व्हाट्सएप पर जाना चाहता हूँ, तो मैं सिंगल हैंडली यहाँ से व्हाट्सएप पर चला जाऊंगा। और उसके साथ साथ कोई भी एप्लीकेशन, जैसे आपके फोन में इतनी सारी एप्लीकेशन है, अगर आप अपने होम पेज पे हो तो यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से मैनेज कर पाओगे, और उसके साथ साथ आप अपने स्टेटस बार को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो किस तरीके से कर सकते हो, आज की वीडियो में फुल डिटेल में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ही काम का वीडियो और कमाल का वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, आपको उसी तरीके की वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी मेरे फोन में बिल्कुल भी कोई भी चीज कस्टमाइज नहीं है, ना कि मेरा स्टेटस बार और ना ही मेरा एप्लीकेशन बार। लेकिन अब मैं आपको आपके सामने ही यहाँ पर कस्टमाइज करके दिखाने वाला हूँ, और 100% वर्किंग करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको ये दो एप्लीकेशन अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो आप समझ लीजिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर अपना स्टेटस बार कस्टमाइज करने के लिए। तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ऐसे करके ओपन करना है। ओपन करने का कुछ परमिशन मांगेगा, तो उसको यहां से आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ करने के बाद, ठीक है, यहां से आपको स्टार्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहां पर आपको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां से आपके सामने कुछ परमिशंस होगी, तो उन परमिशन को आपको वन बाय वन करके अलाउ करना है। तो जैसे MI ड्रॉ परमिशन आपको दिख रही है, तो इसको आपको अलाउ करके यहां से एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद यहां से आपको MI स्टेटस बार पे जाना है, और इसको भी यहां से आपको एग्री कर देना है। जैसे आप एग्री करोगे, तो आप देख सकते हो आपका स्टेटस बार ऊपर यहां पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज होने के बाद आपके सामने स्टार्ट कस्टमाइजेशन पे ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको इसकी सेटिंग के अंदर ले जाएगा। अब यहाँ से किस तरीके से कस्टमाइज करना है, वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखना, और लाइक नहीं करे तो लाइक कर दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप अपने कस्टमाइजेशन की हाइट वगैरह को किस तरीके से आपको कम ज़्यादा करना है वो कर सकते हो। यहाँ से आपको स्टेटस बार की स्टाइल आपको सॉलिड रखनी है, ट्रांसपेरेंट रखनी है, मतलब ये सारी यहाँ से आपको ऑटो दिख जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से आप अपने मोबाइल का नोट्स भी चेंज कर सकते हो। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये नोट्स का डिजाइन भी यहाँ पर चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, जिस हिसाब से आपको रखनी है उस हिसाब से आपको रख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको बैटरी परसेंटेज ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको नेटवर्क कनेक्शन आपको 3G पे दिखाना है या 4G दिखाना है, 5G दिखाना है, आप 6G दिखा सकते हो, आप LTE लाइट भी दिखा सकते हो, जो आप अपने हिसाब से रखना चाहते हो वो आप कर लीजिए। जैसे मैंने 5G रख दिया। अब स्टेटस बार कलर, ठीक है, अब आपको स्टेटस बार का कलर यहाँ से किस तरीके से रखना है, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं किस हिसाब से आपको रखना है। जैसे मैंने अभी ब्लू कर दिया, तो मैं आप देखोगे मेरा कस्टमाइजेशन कर ऊपर का ब्लू हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने वाले, वॉच कलर, जैसे आपको टाइम का जो टाइम दिख रहा है उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका कलर येलो होना चाहिए, सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये येलो हो गया है। ठीक है, यहाँ से आपको नेटवर्क का कलर कैसा होना चाहिए, उसको पिंक होना चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पिंक हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको बैटरी का यहाँ पर कलर का इफेक्ट दिखना है, तो वो आपको कैसा रखना है, तो वो आप ग्रीन करना चाहते हो तो आप ग्रीन कर दीजिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्रीन हो गया है। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सो कैट इन स्टेटस बार। जैसे आप इसको ओपन करोगे, तो यहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ये थोड़े से मूवमेंट भी करेगी, जो आप देख रहे होगे ये काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो इसमें थोड़ी सी मूवमेंट अलग तरीके से होगी। तो इस तरीके से आप उसको एक्टिवेट भी कर सकते हो। और यहाँ से आपको हाइड करना है, तो इस पर ओपन कर दीजिए, तो ये हाइड हो जाएगा, आपका ओरिजिनल आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आप अपने स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हो। जब आप कोई एप्लीकेशन वगैरह में वर्क करोगे, तो ये अपने आप इसका कलर वगैरह यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पहला एप्लीकेशन। इस तरीके से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस का कलर को कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद आप किस तरीके से अपने एप्लीकेशन मैनेजर को कस्टमाइज कर सकते हो, सारी एप्लीकेशंस को सिंगल हैंडली किस तरीके से मैनेज करते हो, उसके लिए आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। इस एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप बड़े इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से हम करते हैं नेक्स्ट। ओपन करने के बाद आपको ये नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद परमिशन मांगेगा, इसको आपको ग्रांट कर देनी है। ठीक है, ये सारी परमिशन आपको यहाँ पर वन बाय वन करके सारी परमिशन आपको दे देनी है।
ये हमने इसको परमिशन को अलाउ कर दिया। बैक आते हैं, बैक आने के बाद यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। अभी आपके हुए 100% वर्किंग हो जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, आप देख सकते हो ये हल्का सा क्लिक करोगे और यहाँ से आपकी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर वर्क हो जाएंगी। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर जैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं और आपको डायरेक्ट यहाँ से आपको दूसरी एप्लीकेशन में जाना है और आपको मिनिमाइज नहीं करना, सिंपल आपको यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से आप डायरेक्ट उस एप्लीकेशन में भी पहुंच जाओगे। तो सिंगल हैंडली इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने फ़ोन को और ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। जाइए जल्दी से अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर दिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंडों को, उनको भी बताइए किस तरीके से इन एप्लीकेशन का ये यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आपको उस तरीके की वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।